हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हरान एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे नो एग्जिट, जो कि हुलू पर देखने को मिलती है। इंग्लिश में अवेलेबल है भाई ये मूवी, ओवर लेंथ 1 आवर 40 मिनट की। और इस मूवी की कहानी बेस्ड एक नावल पे जिसका नाम था नो एग्जिट। मुझे पता है कि आप लोग ने भी वो नावल नहीं पढ़ी की, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ी। और जरूरी नहीं कि मैंने नहीं पढ़ा तो आप लोग भी नहीं पढ़ सकते, शायद पढ़े भी होंगे। खैर, मूवी की कहानी फोकस करती है डर्बी, जो कि एक ड्रग एडिक्ट है, लेकिन फिलहाल ये रिहेबिलिटेशन सेंटर में। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ऑफ आता है जब डर्बी को पता चलता है कि भाई इसकी मॉम हॉस्पिटलाइज हो गई। तो ऐसे में डर्बी को किसी भी तरह से हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है। तब ऐसे में डर्बी के साथ रास्ते में क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये पर्टिकुलर मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी स्टार्ट से लेके एंड तक प्रेडिक्टेबल है, बट प्रेडिक्टेबल होने के बावजूद भी ये मूवी आपको एंटरटेन करती है अगर आप लोग इस मूवी को पूरा देखोगे तो। क्योंकि लास्ट के जो 30 मिनट है वहां पर चीजें प्रेडिक्टेबल तो है, लेकिन जिस तरह से प्रेजेंट किया वो आपको एज पर सीट रखता है। मूवी की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करेंगे तो जो एटमोस्फियर यहाँ पर मेकर्स ने क्रिएट किया वो आपको डराने में कामयाब होता है। मूवी का बीजीएम अच्छा, और अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर उनको ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं किया। हालांकि यहाँ पर ज्यादा कैरेक्टर है भी नहीं, कुछ 4 या 5 ही है। बस आपको थोड़ी बहुत उनके बारे में जानकारी दी है, बस दैट्स इट, उससे काम चलाना पड़ेगा। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो सभी एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को ठीक ठाक से निभाया, लेकिन जिस लड़की ने यहाँ पर डर्बी का रोल प्ले किया, जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन कमाल है। पैरेंटल गाइडेंस में इतना ही बोलूंगा, मूवी में आपको अश्लील कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, वॉयलेंस है तो वो थोड़ा ध्यान में रखना। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 6 out of 10। डेफिनेटली ये एक बार तो आप लोग देख सकते ही हो। खैर, अब हम लोग बात करेंगे रशियन साइफाई स्पेस थ्रिलर मूवी जिसका नाम है प्रोजेक्ट जेमिनी। मूवी की ओवर लेंथ 1 आवर 40 मिनट की, और ये आपको इंग्लिश में देखने को मिलती है। इस तरह की मूवीज यार पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर मूवी के प्लॉट की बात करूं तो कहानी सिंपल सी है कि अर्थ पर ग्लोबल प्लांट वायरस आ गया, जिस वायरस की वजह से अब अर्थ के जितने भी जो ट्रीज है वो सारे मर रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और सारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी आपको पता है क्लाइमेट कितने चेंज हो रहे हैं। तो अब ऐसे में अर्थ पर रहना इंसानों के लिए मुश्किल हो जाएगा आने वाले सालों में। ऐसे में आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट वालों को कुछ जमीन के नीचे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। तो अब उन आर्टिफैक्ट्स की मदद से प्रोजेक्ट जेमिनी वाले कुछ नए प्लैनेट्स ढूंढेंगे। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट नजर आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। देखो यार, इसका प्लॉट बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने हॉलीवुड मूवी में बहुत बार इस तरीके के प्लॉट पर कहानी देखी है ना। तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, प्लॉट अच्छा है जो कि बार बार रिपीट होने के बावजूद भी हम लोग इस तरह की मूवीज देखते हैं। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर मूवी को देखेंगे तो एग्जीक्यूशन उतना ही पैथेटिक है भाई। स्टार्ट से लेके एंड तक इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था ना मुझे कि मैं क्या बोलूं, लेकिन बीजी पे थोड़ा बहुत रिलीफ भी दे रहे थे इसके सीजीआई। रशियन इंडस्ट्री की एक बात तो अच्छी है कि ये लोग सीजीआई बहुत अच्छा करते हैं। अगर आपको याद होगा तो इनकी एक मूवी थी कोमा, उसके भी जो सीजीआई थे वो काफी हद तक हमने हॉलीवुड की मूवी इंसेप्शन से मेल खा रहे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अच्छी कोशिश की थी। और यहाँ पर भी उन्होंने सीजीआई में आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मूवी को आगे बढ़ाया वो अच्छा नहीं लगता है। और कहने को तो यहाँ पर एक एलियन जैसा क्रीचर है, लेकिन उसके भी ग्लिम्स देखने को मिलते हैं, वो आपको और मूड खराब करती है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से अगर आप लोग हॉलीवुड की मूवी बहुत सारी इस तरह की देख चुके हो तो इसमें आपको नया कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से ये टोटली टाइम वेस्ट मूवी है और कुछ भी नहीं। पैरेंटल गाइडेंस में इतना ही बोलूंगा, इस मूवी में आपको किसिंग सीन देखने को मिलेगा, ज्यादा अश्लील तो कुछ भी नहीं है। और वॉयलेंस की बात करो तो वो वॉयलेंस भी है, लेकिन वो उतना ज्यादा है नहीं। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 5 out of 10। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो आप लोग की मर्जी। मिलते हैं इस वीडियो में, दिल देन बाय।